चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक्निकल लविश पर और हमारी एक इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ मैं ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप अपने पीसी के गेमिंग एक्सपीरियंस को, अपने पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। जी हां दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा पीसी है, महंगा पीसी है, सस्ता पीसी है, आप कौन सा पीसी चला रहे हो, कौन सा नहीं चला रहे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहिए हर पीसी पे एप्लीकेबल होने वाला है, सभी पीसी पे ये काम करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है लविश कंसल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज जो आपको चेक करनी चाहिए अपने कंप्यूटर में, अपने मॉनिटर में, कि आपके मॉनिटर में कौन सा रिफ्रेश रेट है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होता है मॉनिटर में, उतने ही ज्यादा वो आप अपनी FPS पे अपनी गेमिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हो, उसका मजा ले पाते हो। जी हाँ दोस्तों, जो आजकल नॉर्मल मॉनिटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60Hz के रिफ्रेश रेट पे, बट दोस्तों मार्केट में अभी ऐसे भी हमें मॉनिटर्स देखने को मिल जाते हैं जो हमें 100 से ज्यादा रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो पीसेस लेते हो, अगर आप वो पीसेस को परचेज करते हो, तो उसमें आप हाई FPS पे, हाई रिजोल्यूशन पे, हाई रिफ्रेश रेट पे ज्यादा अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे और एंजॉय कर पाओगे, उसका मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप एक नया कंप्यूटर लेना चाहते हो या एक नया मॉनिटर लेना चाहते हो अपने पीसी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना हाई रिफ्रेश रेट वाला ही मॉनिटर लेना। और अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 को यूज कर रहे हो, तो आपको विंडोज 10 के अंदर अपना गेम मोड को ऑन कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गेम मोड ऑन करने से आपकी विंडोज जो है वो अपने आपको उसी तरह एडजस्ट कर लेगी, उसी तरह डाल लेगी कि वो आप अपने कि वो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में, गेमिंग एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाए। तो ये बात सब ध्यान में रखना। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके बैकग्राउंड में कंप्यूटर में गूगल क्रोम चल रहा है या कोई हैवी रिसोर्स चल रहा है, तो आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों गूगल क्रोम ना आपके कंप्यूटर में, आपकी रैम में या CPU में काफी ज्यादा जगह लेता है, काफी उसको यूज करता है, जो आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप गेम खेल रहे हो तो आप अपने बैकग्राउंड में से गूगल क्रोम को बंद कर दें। अगर आपके पास एक हाई एंड PC नहीं है तो ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है। और दोस्तों, ये गलती सब करते हैं कि आप अपने मॉनिटर को कंप्यूटर के ऑनबोर्ड ग्राफिक्स से कनेक्ट कर देते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड वाले पोर्ट में कनेक्ट करने की बजाय लोग अपने कंप्यूटर के ऑनबोर्ड ग्राफिक्स में अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड वाले HDMI पोर्ट में ही अपने मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए, बेस्ट ग्राफिक्स लेने के लिए। ये बात को भी जरूर ध्यान में रखना। और दोस्तों, अगर आप गेम खेलते हो या आपकी गेम लैग कर रही है, तो आप अपने गेम के रिजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि वो आपको बेटर FPS प्रोवाइड कर पाए और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को, आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को बेटर बना पाए। अपने कंप्यूटर में चेक करें कि स्टार्टअप आइटम्स कौन सी हैं, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके कंप्यूटर स्टार्ट करते ही अपने आप चलने लग जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। वो अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे डिसेबल कर दीजिए, जो आपको नहीं चाहिए उसे डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लो करती हैं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस बेस्ट लेने के लिए उसे डिसेबल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर को एडजस्ट कर दीजिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉपर्टीज में जाके, एडवांस सेटिंग्स में जाके उसको एडजस्ट कर दीजिए, उसको डाल दीजिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, ताकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए गेमिंग में। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है और आपने वो अपनी डस्टी एरिया में रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा खोल के साफ कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों डस्टी, अगर आपका कंप्यूटर में काफी डस्ट जम चुकी है, डस्ट काफी आ चुकी है, तो दोस्तों इसका डायरेक्टली लिंक है ओवरहीटिंग से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर, आपका CPU का जो फैन होता है, वो अगर आपके CPU को कूल नहीं करेगा, तो आपको वो लो परफॉर्मेंस देने लग जाएगा। और ये आप डस्ट अब मार्केट में से जाके किसी प्रोफेशनल से भी करा सकते हैं, डस्ट उसके हटवा सकते हैं। तो ये बात भी जरूर ध्यान में रखना, जिनके पास पुराना PC है या पुराना कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर की डिस्क को रेगुलर रीफ्रेगमेंट करते रहें। जी हाँ दोस्तों, मतलब अपने कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करते रहें ताकि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, क्योंकि दोस्तों रीफ्रेगमेंट ना करने से, ऑप्टिमाइज ना करने से,
वो आपके कंप्यूटर में मतलब स्टोरेज बढ़ाता रहेगा, मतलब जंक फाइल जाते रहेंगे, तो वो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को लो कर देगा। तो ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है आपके अपने कंप्यूटर को। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी हैवी एंटीवायरस को यूज मत करें, क्योंकि दोस्तों जो हैवी एंटीवायरस होते हैं, कोई भी अपने हैवी प्रोग्राम्स को ना यूज करें, हैवी एप्लीकेशन को ना यूज करें, क्योंकि दोस्तों जो हैवी प्रोग्राम्स होते हैं, हैवी एंटीवायरस होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, और वो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में भी दिक्कत देते हैं, आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को भी कम कर देते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको वो एंटीवायरस नहीं चाहिए, वो प्रोग्राम्स, हैवी प्रोग्राम्स आपको नहीं चाहिए, तो उसे बैकग्राउंड से डिसेबल कर दीजिए, ताकि वो आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे पाए आपका कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे अपने पीसी को फास्ट करने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।